तो चलिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के आ, पी वाई क्यू को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको दिया गया है कि आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल बताना है तो देखिए सबका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए और सबका हाइब्रिडाइजेशन दिखाइए तो यहाँ पे देखिए इसका बॉन्ड जो है वन वन फाइव डिग्री है ये वन थ्री फोर और ये वन एटी होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो आंसर करेक्ट होगा वो फोर होगा इसमें देखिए आपसे बोला जा रहा है कि एस पी टू हैविडाइज मॉलिकुल्स बताना है तो यहाँ पे देखिए बी एफ थ्री है और ये एन ओ टू माइनस है ये आपका है बाकी एस पी थ्री हैविडाइज है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थेरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का बताना है तो देखिए नाइट्रोजन में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो थ्री आता है लेकिन जैसे जैसे इसमें माइनस चार्ज बढ़ाते जाइएगा इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा तो सबसे ज़्यादा एन टू में होगा ये वाला करेक्ट फोर्टी टू में देखिए आपसे पूछा गया है कि कोवेलिन करेक्टर बताइए तो देखिए कोवेलिन करेक्टर का ये क्राइटेरिया होता है और इसमें जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड मिथेनॉल टू गैस तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तभी जाके ये होता है तो ये आपका टू हो जाएगा नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि स्ट्रेट चेन पोलिमराइजेशन फॉर्म्ड बाई तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये है इसका हाइड्रोलिस करिएगा तो ये सी एल सी एल बाहर निकलता है फिर यहाँ से जब वाटर निकलना शुरू होता है तो इस तरीके से पॉलीमराइज कर जाता है तो फर्स्ट आंसर आपका होगा एमंग द फॉलिंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो देखिए इसमें ऊपर से नीचे आने पे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर घटता है ग्रुप में तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है यहाँ पे देखिए सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू एस्पीसीज एन ओ थ्री माइनस एस थ्री ओ प्लस आर डिस्क्राइब्ड बिलो तो देखिए जी इनमें दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे एसपी थ्री है यहां एसपी थ्री है यहां एसपी थ्री है ये आपका sp3 थ्री नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग एसपीसी डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन ठीक है तो देखिए जहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाए वो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है तो फोर्टी एट का थ्री हो जाएगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग स्पेसीज ठीक है तो देखिए आप सबका निकाल लीजिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि लोन पेयर घट रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल आपका बढ़ेगा तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल्स और आयंस द सेंट्रल तो ये ये वाला वाला। आंसर होगा थर्ड फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट देखिए साइज छोटा होने से ये कंडीशन आता है तो ये आपका होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देंटलेशन विच इज नॉट सेम एज द प्रेजेंट इन अदर थ्री तो देख लिया आप सबका निकालिए तो लास्ट वाले का देखिए यहां पे एसपी थ्री डी टू है बाकी में एसपी थ्री डी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड्स हाइड्राइड्स लिविस एसिड तो देखिए बी एस थ्री जो है डेमराइज करके ये बनता है और ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो इसलिए लिविस एसिड का, का काम करेगा प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेस नंबर तो देखिए हाइड्रोक्साइड की सोलिबिटी डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है कैलकुलेट कर लीजिए प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव आएगा तो ये वाला करेक्ट आंसर हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन इन पी फोर ओ टेन तो देखिए यहाँ पे ये आपका पी फोर ओ टेन है और ये देखिए ये ब्रिजिंग है तो यहाँ पे दो आंसर आपके पास होगा